टाइपलिन टेन एम जी टैबलेट ये डॉक्टर आपको निरप्तिक पेन में प्रेस्क्राइब करते हैं और किस तरह के दर्द में डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह की प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं इसके लिए क्या डोज होता है कैसे इसका मॉलिक्यूल हुआ करता है तो अंत तक बने रहें पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे टाइपलिन टेन एम जी टैबलेट के बारे में तो इसे जो बनाता है वह स्टेप कैम फार्मास्यूटिकल है इसके अंदर जो मॉलिकूल ऐड किया गया है ऐड किया गया है इसका जो पैक है वो टेन टैबलेट का कॉस्ट ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ है जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है तो इसे तब डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं जब आपको डिप्रेशन टाइप रहता है हमेशा आप चिंतन में रहते हैं कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं या आपके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है तब बड़बड़ाते रहते हैं आप या जैसे कि आपको निरपथिक पेन हो रहा है या आपको अध का का दर्द हो रहा है तो जब कभी भी आप कुछ सोचते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं सोचने की वजह से क्या होता है आपके दिमाग में सारे जो नर्व्स नौ, रहते हैं वहाँ पे लोड पड़ता है जिसकी वजह से आपको यह दर्द महसूस होता है तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को ज़्यादा ये तकलीफ रहती है उनका सर दर्द ज़्यादा करता है और उनका नर्व पेन ज़्यादा करता है तो उस समय डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ये आपको जो डिप्रेशन है उसे दूर करने में मदद करे जब आप इसे लेते हैं तो आप जो कि काफ़ी खुशी वाली चीज़ें सोचने लगते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ख्याल आपके अंदर आने लगते हैं जो आप बार बार सोच रहे थे वह आपके अंदर कम होने लगता है निगेटिविटी काफ़ी कम होने लगती है इस तरह से आपको हेल्प करता है इसका डोज मोस्टली ओडी रहता है डॉक्टर इसे नाइट टाइम में बोलते हैं हो सकता है आपकी समस्या में मॉर्निंग में बोल सकते हैं जिस तरह से डॉक्टर आपको बोलते हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करें इसे खाना खाने के पहले बाद में भी ले सकते हैं जहाँ तक आप खाना खाने के आधा एक घंटा बाद लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा बेड टाइम डॉक्टर मोस्टली ज़्यादा प्रीफर करते हैं यानी जब सोने जाते हैं तो उस समय डॉक्टर डोज ज्यादा बोलते हैं लेने के लिए आपको मतलब अगर आपका वन डोज है तो आप वन डोज ही ली जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं उसे आप जरूर फॉलो करें छपाना नहीं करशनी नहीं करना डायरेक्ट पानी के साथ में निकलना है कोई डोज मिस कर जा रहा है तो सिंगल डोज फॉलो करें वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस मेडिसिन को खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपके मुँह में पानी की कमी जैसा महसूस हो सकता है आपके अंदर अग्रेशन आ सकता है वेट गेन कर सकते हैं नींद आ सकती है आपको सर दर्द हो सकता है और काम अच्छी जो सर, इच्छा रहती है आपके अंदर वह कम हो सकती है कन्फ्यूजन ज्यादा आपके अंदर हो सकता है आपके जो खाने खाने के जो टेस्ट रहते हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकता है कब कप आपको लग सकती है इस तरह के जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो लेन खान पर डॉक्टर जरूर कंसल्ट करें डाउट है तो पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट